देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेशन हमारे एरे फार्मूले से रिलेट करता है। सर, एरे फार्मूला क्या है? एरे फार्मूला बेसिकली कोई एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला नहीं है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है और ये किसी भी बड़े काम को चुटकी में कर देता है। एरे फार्मूले के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड होता है कैलकुलेशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। मैंने यहाँ एक नाम लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे लाउडली, मैंने नाम लिखा है इस पे सुजीत। मैं कहता हूँ इस नाम को अलग अलग कर दो, तो आप कहेंगे सर कर दो अलग, एस अलग कर दो, यू अलग कर दो, जे अलग कर दो, ई अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो। क्लियर हो गया अलग? लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नहीं सर ऐसे अलग मत करो, कोई फार्मूले के ज़रिए करिए। तो उस केस में कहा सर आपने को क्या दिक्कत, आप मिड लगा लीजिए, मिड के अंदर ये सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट नंबर वन, नुमेरी कितना, नंबर ऑफ कैरेक्टर वन, तो एम आ गया। फिर तुमने क्या करा, इस कॉलम को फ्रीज कर दिया और फिर इसको आगे ड्रैग कर दिया कंट्रोल आर से, फिर यहाँ जहाँ वन था वहाँ टू कर दिया। नहीं सर, यहाँ तो वन रखा लेकिन इसको टू कर दिया, इसको थ्री कर दिया, इसको फोर कर दिया, इसको फाइव कर दिया, इसको सिक्स कर दिया। क्लियर है? लेकिन सर ये भी तो कॉम्प्लिकेटेड है, इस केस में क्या करें? तो फिर हम, आपको पता है हम मिड के अंदर क्या लगा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। लेकिन सर अगर हम इस फार्मूले को किसी और काम से करना चाहें तो, किसी और मेथड से करना चाहें तो हम सीखेंगे, हम यहाँ लगा सकते हैं मिड। मिड के अंदर गए, हमने बोला स्टार्टिंग नंबर कितना, स्टार्टिंग नंबर कितना, मैंने बोला कॉलम जहाँ तुम खड़े हो ना उसमें से माइनस कर दो तुम्हारा पहले वाला कॉलम, और इसको मैंने फ्रीज कर दिया। तो खड़ा नंबर दो नंबर कॉलम पर है, माइनस कर देगा एक तो आंसर कितना आएगा, एक। क्लियर? और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, एक। एंटर किया तो उसने क्या दिया, हाँ तो हमें मैनुअली टाइप कर लो। अब इसको आगे ड्रैग कर दो कंट्रोल आर से, अब भी कहीं मिस्टेक होगी, मैंने कॉलम को दे, हाँ अब कंट्रोल आर कर दो, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं अगर कॉलम, मैं जहाँ खड़ा हूँ और वहीं का रेफरेंस दूंगा तो कॉलम बता देता है। आप खड़े कितने हुए, पाँच नंबर कॉलम पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप, पाँच नंबर कॉलम पर खड़े हो, जस्ट लाइक ये वाला पाँच नंबर कॉलम पे। मैंने बोला कॉलम जहाँ मैं खड़ा हूँ ना उसमें से माइनस कर दो मेरे से पहले वाला कॉलम। अब मैं खड़ा हूँ पाँच पर, उससे पहले वाला माइनस कितना कर देगा, चार, तो आंसर कितना मिलेगा, बस आगे जाएगा टू दे देगा। क्यों, मैंने बोला मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे दो कॉलम पहले माइनस कर दो, फिर मैं आगे गया मैंने बोला एक कॉलम जहाँ मैं खड़ा हूँ, तो आप वो चार नंबर वाला कॉलम माइनस कर दो, हमेशा कितना आंसर देता जाएगा मुझे, एक बढ़ता जाएगा। और मुझे आंसर क्या चाहिए था, यहाँ पर यही चाहिए था, तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा, लेकिन अगर मैं इसी काम को किसी और अच्छे तरीके से करना चाहता तो मैं क्या लगा लेता था, मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ कॉमा वन वन, इसको सिलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्लियर? लेकिन सर अगर मैं यहाँ पर सुजीत कुमार कर दूँ तो प्रॉब्लम, छः तक बताए, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन वो हम फ्यूचर में करेंगे। आज हमें एरे का एक बेसिक फंडा सीखना, ये कहलाता है एरे डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरे का जो नेक्स्ट काम है वो आता है एरे कैलकुलेशन। क्या आता है हमारा, ये एरे की कैलकुलेशन। मैंने कहा जो नंबर है उसके अंदर 10 प्लस कर दो, सभी नंबर में कितना प्लस कर दो, 10 प्लस कर दो, तो सब में प्लस होगी। फिर बोला जो नंबर है उसको गुणा कर दो 20 से, मैंने सबको 20 से कर दी,
उन सभी का कितना निकाल लो, 5% निकाल लो। फिर उनको 2 से डिवाइड कर दो और फिर उनको 5 से गुणा कर दो और फिर क्या करो, उनका सम निकाल दो। क्या निकाल दो? सम। क्लियर? लेकिन यही काम मैंने किससे करवा दिया? एरे से करवाया। कैसे? सबसे पहले एरे के अंदर वो चीज डालनी जो उस चीज को कैच करे। इन सब का रिजल्ट किसने दिया? सम ने। तो सम क्या है? कैचिंग करने वाला है। तो मैंने सम को सबसे पहले रखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, इनको सिलेक्ट करा पूरे को और गुणा कर दिया कितने से? 10 से। तो सम, ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑन करा, इसको बोल दिया इनको सम कर दे, कितना? +10। कितना? +10। इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद हो गए। उसके बाद ये हो गए, उसके बाद मैंने बोला इनको कितने से गुणा कर दो? 20 से। फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट बंद हो गया। फिर बोला इनको कितने से निकाल दो? 5% निकाल दो। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर क्या बोला मैंने? डिवाइड कर दो 2 से। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर मैंने बोला इसको गुणा कर दो 5 से। तो कितना आया? 250। F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर करा तो ये मेरा रिजल्ट दे देगा, क्योंकि एरे का जो परफॉर्मेंस होती है वो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से होती है। इतने बड़े काम को उसने एक प्लेस पर कर दिया, इतने बड़े काम को उसने एक ही प्लेस पर कर दिया। अगर आप इन सभी का आंसर देखोगे तो आपको हमेशा सेम मिलेगा। और वही काम एरे भी कर रहा है। नीचे एक ट्रैक कर दो। अगर आप एरे के स्टेप देखना चाहते हो तो फार्मूले के अंदर एबुलेट फार्मूला करोगे तो एरे का सम मिलेगा। एरे ने सबको प्लस करा, देखो पहले पे 94, 162, 33, 11, 10, टोटल कितना आ गया। फिर गुणा करा 20 से, जैसे ही 20 से गुणा करा तो नीचे कितना आया? 1800, 2000, 1240, 660, 2200। फिर उसने गुणा करा, फिर उसने सम करा, परसेंटेज निकाला, इंटर करा और रिजल्ट आपके सामने लाके डिस्प्ले कर दिया। क्लियर? कोई डाउट? तो एरे के दोनों मेथड समझ में आ गए। एरे का पहला फार्मूला था डिस्ट्रीब्यूशन का और सेकंड मेथड होता है कैलकुलेशन का। चलिए एग्जांपल नंबर हम 1 डिस्कशन करते हैं। मैं कहता आप लोगों से 2016, 2013, 2010 तो बहुत इजी है, अगर मैं आपको इनसे बोलूं सम करना है तो आप बिना सोचे एग्रीगेट का फार्मूला लगाएंगे और इसको सम कर देंगे जो 2016 के अंदर है, जो एरे वैल्यू को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? एरे वैल्यू को इग्नोर कर देता है। मैं आपसे कहता हूँ इनको सम करो। क्या करो? सम करो। क्या करो? सम करो, लेकिन 2007 के हिसाब से। 2016 में आप बहुत आराम से कर लोगे। क्या कर लोगे? 2016 कल तो आप वैसे भी लोगे। आप क्या बोलोगे? इफ इज एरर, इज एरर, अगर ये वैल्यू एरर है तो हमें क्या कर दो? 0 शो कर दो, और अगर एरर नहीं है तो जो है वो ही शो कर दो। तो जहां वो होगा वो क्या कर देगा? वहां 0 कर देगा। उसके बाद आप क्या लगा लोगे? सम लगा लो। क्या लगा लोगे? सम लगा लोगे। लेकिन अगर आपको यही रिजल्ट क्या देना होता, एक ही जगह पर देना होता, तो आप कैसे देते? तो आप कुछ नहीं करते, आप लगाते सम। सबसे पहले कैच करने वाला कौन है? फिर क्या बोलते? इफ, इफ के अंदर क्या बोलते? इज एरर, इज एरर के अंदर पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करते। अब एक वैल्यू को नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरी। अगर ऐसा हो तो वो क्या दिखाए? 0 नहीं तो जो हो वो
वही शो करें। एन ए आ गई, फिर एफ टू कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कर्ली ब्रैकेट अपने आप आ जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एग्जांपल नंबर फोर, एक्सेल 2007 मैंने साथ में मैंने जो यूज़ करा वो मैं इज एरर यूज़ कर रहा था, और एक्सेल 2003 होता तो मैं इज एरर यूज़ करता। क्या यूज़ करता? इज ये इज एरर यूज़ करा। इससे पहले मैं इज ये यूज़ करता था, एर यूज़ करता था, क्योंकि 2007 में वो नहीं था। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर टू, अब इन दोनों प्रोडक्ट का मुझे सम करना है। अभी आप क्या करोगे, पहले दोनों को गुणा करोगे आपस में, फिर सम करोगे और नीचे आके इस तरीके से आप सम कर दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको एक फार्मूले के अंदर करना है, तो आप क्या करोगे, सम करोगे, फिर क्या करोगे, प्रोडक्ट का फार्मूला लगाओगे, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। लेकिन एक गलती कर दी मैंने, क्या गलती करी, छोटी सी गलती करी। सम बिना सम के अंदर इसको सिलेक्ट करना था, गुणा इससे कर देना था। ठीक है, सिंपल फार्मूला। एग्जांपल नंबर थ्री, मुझे देखो सम करना है, लेकिन सम जो करना है ना, जो मंथ हो उस वैल्यू का वो सम कर दे, सम वैल्यू। लेकिन यहाँ हमें उस मंथ का सम करें, उस सम करें जिस मंथ में जैन हो या जो मंथ में यहाँ टाइप करो। तो अगर मैं आपसे कहता कि चलो मुझे करके दिखाओ, तो आप क्या करते, सबसे पहले यहाँ लगाते टैक्स का फार्मूला, इसको सिलेक्ट करते और क्या लिख देते, तीन बार एम, जैन आ जाता जो भी मंथ हो। अगर यहाँ जनवरी होती तो आपका जनवरी आ जाता ना, जनवरी आता। फिर आप बोलते इफ़ एरर, अगर ये वाली वैल्यू बराबर है जैन है, तो आप क्या करना, इस वैल्यू को शो करना, अदरवाइज वो क्या कर लेना, ज़ीरो कर देना। तो जहाँ जहाँ उसे क्या मिलता, सम मिलता, वो क्या कर लेता, आपको शो कर देता, ये शो कर देता। उसके बाद आप क्या लगाते, आप लगाते सम, और फिर वो सम करता। अरे इतना लंबा फार्मूला लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बस क्या करते आप, आप आते सबसे पहला फार्मूला क्या है, सम, उसके साथ क्या लगाते, इफ, इफ के अंदर क्या लगाते, टैक्स, और टैक्स के अंदर इस पूरी डेट को सिलेक्ट करते, कॉमा, तीन बार एम करते, कॉमा बंद कर दे, और बोलते इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू किसके बराबर है, जो डेट यहाँ गिवन है। क्या डेट गिवन है, ये डेट गिवन है। तो हमें क्या करना है, उन वैल्यू को शो करना है। ऐसा ना हो तो क्या दिखाए, ज़ीरो। तो उसने हमें क्या दिया, ज़ीरो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कैसे बताऊं, सम, अगर देखो इन्हीं इसी फार्मूले को मल्च करो ना, इसको कॉपी करा आपने, इसको अंदर पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, इस पूरे फार्मूले को कॉपी करा और किसके अंदर पेस्ट कर दिया, इस जहाँ ये डी टू था इसके अंदर पेस्ट कर देना था। बट ये एरर देगा, क्योंकि जहाँ आपका ए टू था उसको आपको 65,000 कर देना था, और जहाँ बी टू था वहाँ 65,000 कर देना था। मतलब मैंने 65 ले लिया समझाने के लिए। ठीक है, आगे क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता, कि क्वेश्चन वन हो, क्वार्टर वन हो और ये 2016 हो,
पूरे क्वार्टर ईयर भी स्पेशली मेंशन कर दिया 16, तो फिर तुम क्या करते? सबसे पहले तुम इसके अंदर डेट बनाते, इसको सिलेक्ट करते, नहीं सबसे पहले तुम लिखते 01, फिर कॉन्कैटेनेट कर देते, क्यों तो यहाँ पर चूज लगा दो ना, यहाँ चूज लगा दो, इसको सिलेक्ट, इसके इससे पहले क्या लगा दो, राइट लगा दो ताकि वो नंबर दे दे हमें, क्लियर है? फिर क्या लिख दो, जैन, फिर क्या अप्रैल, फिर क्या जुलाई, और फिर अक्टूबर। राइट हमने नंबर ऑफ करेक्टर नहीं बताया, क्लियर, और इसको हमने बंद कर दिया, और फिर कॉन्कैटेनेट कर दिया किसके साथ? नहीं सर ऐसे नहीं कर सकते, आ गया, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, डेट वैल्यू का फार्मूला और कंट्रोल शिफ्ट, क्लियर है दिव्या? क्लियर हो गया, ये तो आपको कई बार आपने करा है। एंडिंग डेट आपको पता है, बिल्कुल सिंपल है, क्या लगा दो और कितना सेलेक्ट कर दो, 2, क्लियर आ गई। इसके बाद अब हमें सम करना है, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे दोबारा इफ, बोलेंगे इफ इसके अंदर जाओ, किसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर एंड बोलेंगे, एंड एंड कि आप सर्च करो ये वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो किस वैल्यू से, हमें ये फार्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। मैं मैनुअली समझा रहा हूँ आपको जस्ट लाइक, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा। पहले मैं बोलूँगा इफ, इफ के अंदर एंड लगाऊंगा, बोलूँगा अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किस वैल्यू के, इस वैल्यू के, फिर दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू है दिस वैल्यू के, ठीक है, तो हमें क्या शो करो, तो हमें ये शो करो और अदरवाइज जीरो शो करो, तो जहाँ जहाँ वैल्यू बराबर होगी उसके वो शो हो जाएगी। हाँ तो ये जनवरी है ना, क्वार्टर 4 कर लो ना, क्वार्टर 2 कर दो, आ गया 48। अब एक प्रॉब्लम हो गई ना शायद, उसे लिंक भी तो फ्रीज भी तो करना है आपको, आ जाओ, क्लियर है, आ गया। आप क्या लगाओगे, सम, इतनी इजी फार्मूला है ना, लेकिन अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो पहले क्या लगाओगे, सम, फिर क्या लगाओगे, इफ, फिर क्या लगाओगे, एंड, और फिर क्या बोलोगे, इस पूरी डेट को ग्रेटर देन इक्वल टू इस डेट से कॉमा, हाँ वो सबको एक कर लेगा, फिर दिस लेस देन इक्वल टू किससे, इससे, ब्रैकेट बंद कर दो, एंड बंद हो गया ना, इफ एंड बंद हो गया, ट्रू पार्ट के अंदर क्या सिलेक्ट कर लो, ये वैल्यू सिलेक्ट कर लो, फॉल्स पार्ट के लिए जीरो कर दो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दो, ढूंढ लेगा दीपी, अब सब ढूंढ लेगा, ये इस ब्रैकेट को बंद करा, फिर हमने इफ को बंद करा और फिर सम को बंद करा, चलिए फार्मूला एबुलेट करके देख लेते हैं। इफ, इफ के अंदर इसने सभी नंबर को चेक करा, जहाँ जहाँ ट्रू मिला उसने वहाँ वहाँ वैल्यू दी और रिजल्ट हमारा फॉल्स आ गया, इसका मतलब इसने हमारी सेकंड कंडीशन को फिलअप नहीं करा प्रॉपर वे में, इसके लिए हमें इसको फ्रीज करना भी तो था,
कंट्रोल शिफ्ट इंटर आ जाएगी। अरे देखो A2 आंसर B2। एक बार इस वैल्यू को बड़ी चेक करने के लिए, उसके बाद उस वैल्यू को छोटा चेक करने के लिए। अगर हम इस फार्मूले को सम के अंदर पेस्ट करें तो हमारा फार्मूला क्या बनता है, इसके अंदर पेस्ट कर दें तो ठीक है। फिर हमें बस एरिया में सही करना था, फार्मूला तो हमने सही लगाया है A2 की कंडीशन के हिसाब से, फिर रिजल्ट हमें फॉल्स क्यों दे रहा है। नहीं नहीं रुकिए ना, एक बार और ट्राई करें। आ जाइए, सबसे पहले हमने क्या लगाएंगे, सम। सम के अंदर हम इफ के साथ जाएंगे, लॉजिकल के लिए हमने एंड यूज करा, एंड के साथ हमने इस नंबर को सिलेक्ट करा और इसके वो एक एक करके सिलेक्ट करेगा। हमने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ये नंबर एरे में तो फ्रीज करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। दिस वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको बंद कर दिया, हमारा एंड बंद हो गया। लॉजिकल के लिए हमने ये नंबर सेलेक्ट कर लिए, कॉमा ज़ीरो, अगर वो ट्रू है तो हमें वो नंबर दे, अदरवाइज वो हमें फॉल्स कर दे। अब ये ज़ीरो आने का क्या लॉजिक है, तो समय तो ये कर रहा है, रुक तो जाओ। अरे ये तो सिंगल कॉलम है ना, उसकी बात नहीं, नहीं पिक कर रहा ना, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करा हुआ, देखो पकड़ली ब्रैकेट लगा हुआ है। एमुलेट डेट ट्रू ट्रू हो गया, इसके बाद ये कंडीशन लेस देन 16। कहीं ना कहीं फॉल्स दे रहा है, देखिए यहाँ ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ये ग्रेटर देन वैल्यू है ठीक है, ये जब वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो जाए, दूसरा जब ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो A2 से और इससे छोटी हो, तो उनके बीच में हो तो हमें सम दे दे। अगर ऐसा हो तो जीरो और अगर ऐसा हो तो सम। चलो मैं कल बताता हूँ आपको ठीक है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें से हमें सबसे बड़ा नेम बताना है, लेंथ हाँ ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स बताने हैं कि सबसे बड़ा इसके अंदर वर्ड क्या है। तो आप सिंपल क्या करोगे, लेंथ नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे हैं, हमें इन सबका सम बताना है, नहीं मैक्सिमम नेम बताना है कि सबसे बड़ा नाम क्या है इसके अंदर। तो आप क्या लगाओगे, लेन लगा दोगे,
लेंस से आपको पता चल जाएगा कौन सा कैरेक्टर सबसे बड़ा है। कितने नंबर का कैरेक्टर सबसे बड़ा है इसके अंदर? 13 नंबर का। लेकिन 13 नंबर पे वो नेम क्या है वो हमें कैसे बताओगे आप? हाँ सबसे बड़ा नाम कौन है इसमें? तो पूर्णिमा सोनी है ना? हाँ 13 जितने। हाँ मैक्स का यूज़ कर मैक्स तो हमने यहाँ यूज़ कर ही लिया है। लैन का यूज़ आप मैक्स यूज़ कर सकते हैं, आप मैक्स यूज़ कर लीजिए। 0 है मैक्स, 0000 मैक्स दे रहा है। मैक्स तो इस मैक्स तो नंबर दे रहा है नंबर पे बताएगा, मैक्स ने बताया ये 30 नंबर है। मैक्सिमम को हमें पूरी रेंज देनी पड़ेगी। मैक्स ने बताया कितना? 30 नंबर वर्ड सबसे बड़ा है। फिर हम क्या बोलेंगे मैच को? बोलेंगे मैच लुकअप करो इसको किसमें से? इसमें से एरिया नंबर 1। तो उसने कितना दिया? 17 दिया। हमने क्या बोला? इंडेक्स, इंडेक्स इस एरिया के अंदर जाओ, यहाँ से सिलेक्ट करो, इंडेक्स के अंदर जाओ। और रो नंबर कितना है? रो नंबर कितना? 17 नंबर उसने बताया ना रो नंबर। एक और को मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसने 13 दिया। रुको रुको एक मिनट रुको, अब 12 हो गया। इसने मैक्सिमम नंबर कितना दिया हमें? मैं यहाँ से इसको 1 कर दूँ। इसने बताया 20वें नंबर पर है, 20वें नंबर पर 10 बता रहा है, 13 बता रहा है, गलत बताया। दोबारा लगाते हैं मैच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप एरिया दिस, मैच एग्जैक्ट मैच करना है 0। हम हमेशा 1 ले रहे थे, वो गलती कर रहे थे। क्लियर है? उसके बाद क्या लगाओ? इंडेक्स लगाओ, एरिया को सिलेक्ट करो, रो नंबर कितना है? 5, कॉलम नंबर 1। पूर्णिमा मैनुअली लग गया आपका? क्या लग गया दिव्या? मैनुअली। लेकिन अगर मैं ये काम आपसे कहता हूँ आप कैसे लगाऊं, तो उसके लिए आप किसकी मदद लोगे? एरे की। सबसे पहले क्या लगाओगे आप? रिजल्ट आपका इंडेक्स ने दिया था, एरिया आपका क्या था? ये रो नंबर के लिए आपने सबसे पहले क्या लगाया था? मैच आएगा। मैच के अंदर लुकअप वैल्यू के लिए आपने क्या लगाया था? सबसे पहले लगाया था आपने मैक्स, मैक्स के अंदर लगाया था आपने लैन, लैन के अंदर आपने पूरी लैन दे दी थी। क्लियर है? ये बंद हो गया, मैक्स बंद हो गया। लुकअप एरिया के अंदर आपने क्या दे दिया था? ये पूरा दे दिया था आपने। लुकअप एरिया के अंदर इसके साथ भी क्या लगेगा? लैन लगेगा, ताकि तभी तो लुकअप देगा। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 दिया था, फिर आपने इसको बंद कर दिया और कॉलर नंबर को आपने 1 दिया था, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और जो नेम सबसे बड़ा होगा वो अपने आप पिक कर लेगा। तो जो पहले पर होगा उसको पिक करेगा, तो फिर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि 13 वाला ही चाहिए कि पूर्णिमा ही चाहिए आपको, ठीक है ना? आ जाइए लास्ट एग्जांपल। चलो बस आज के लिए सफिशिएंट इतना।